अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं पेशावरी खीर। ये हाफ कप चावल को हमने बॉईल करने के लिए रख दिया। हाफ कप चावल को हमने 2 से 3 घंटे भिगो के रख दिया था। चावल अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। चावल अच्छे से ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको ग्राइंडर जग में डाल देंगे। चावल के साथ अब हम रस भी डाल देंगे। ये 4 स्लाइस है, इसको हमने तोड़ के डाल दिया था। अब हम इसमें 2 कप दूध डाल देंगे। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, तो अब हम इसको पतीले में डाल देंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 लीटर दूध। अब हम इसको हल्की आंच पर पकने के लिए रख देंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं हरा इलायची। 4 से 5 इलायची को हमने क्रश कर लिया था। अब हम इसके लिए चीनी कैरेमलाइज कर देंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 कप चीनी। चीनी कैरामेलाइज हो चुका है, तो अब हम इसमें 1 कप दूध डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें पानी भी डाल सकते हो। अब हम इसको खीर में डाल देंगे। खीर तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको एक डिश में निकाल देंगे। अब हम इसमें डालने वाले हैं चॉप बादाम पिस्ता।